फिर से रुक करते हैं जहां लाउड स्पीकर पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, शहर शहर कितना प्रभाव है, कितना असर है, ये रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। मुरादाबाद का रुक करते हैं हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का, जहां पर वो बताएंगे कि मुरादाबाद में कैसे एक्शन लिया गया है, क्या नंबर्स हैं, क्या डिजिट्स हैं जो निकल करके सामने आए। उबैदुर, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद में लगभग 5 या 6 जगहों पे ऐसा था जहां पर बिना परमिशन के लाउड स्पीकर थे वो हटवा दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 500-550 जगहों पर जो धार्मिक स्थल थे वहाँ पर लाउड स्पीकरों की जो आवाज़ है वो मानकों के अनुरूप बहुत धीमी करी गई है। और सबसे बात क्लियर ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ कि हर कोई अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से सौहार्दपूर्ण माहौल में मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर जहाँ गलत थे वहाँ उतरवाए गए या कम की गई, क्योंकि 2017 में भी योगी सरकार ने बैठते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों की आवाज़ और उनके परमिशनों का कार्य कर दिया था। यही वजह है, नेता भले ही बयानबाजी करते हो लेकिन ये हाईकोर्ट का आदेश है। और शुरुआत उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी ये हुई कि मुख्यमंत्री ने खुद गोरखनाथ मंदिर से लाउड स्पीकर की आवाज मानकों के अनुरूप कराई, वहां से लाउड स्पीकर उतरवाए। तो ये कोई नेताओं के बयानबाजी नहीं है बल्कि एक तरह का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, जिस पर लगाम लगनी चाहिए थी। और यही वजह है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, सभी लोगों ने इस बात को समझा कि उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ स्पीच पे, जिसके लिए वो जिम्मेदार, जहां से वो शुरू होती है, उनकी ही वॉल्यूम को डेसिबल के अंडर में ला करके ये संदेश दिया और उसके बाद से ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। सनुट, उबैदुर, आपका शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए। और विवेक, आप बने रहिए, अगली खबर पे हम आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में लाउड स्पीकर हटाने पर कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ आज रमजान का आखिरी जुमा है और मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा होगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इस बार सड़क पर नमाज नहीं अदा होगी। वहीं विवाद से बचने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पहल कर ली है और इस बार सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, ऐसी अपील की है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का फैसला खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लिया है। तो देखिए, अलविदा की नमाज को लेकर के धर्म गुरु ने भी पहल की है कि आइए मस्जिदों में नमाज अदा कीजिए, साथ में नमाज अदा कीजिए, सड़क पर नमाज अदा नहीं करिए। तो देखिए, आज अलविदा की नमाज, जहां पूरे देश से तस्वीरें आती हैं, और अगर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अलविदा की नमाज, इस जुमे की नमाज के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की ओर से, और पहल है धर्म गुरुओं की ओर से, जिन्होंने खुद लोगों से अपील की है कि ईदगाह में ही ये नमाज पढ़िए,